फर्स्ट हमने पेन टूल को सिलेक्ट कर लेना है और मॉडल पर सिलेक्शन करनी है और इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है लाइक दिस। देन हमने एक बैकग्राउंड को ऐड किया है, देन रॉक पर हमने सिलेक्शन करनी है और इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है और इसको अच्छे से हमने मॉडल के आगे प्लेस करना है लाइक दिस। एंड देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमने गॉशियन ब्लर को ऐड करना है लाइक 3%। देन हमने बैकग्राउंड पर भी 4-5% ब्लर को ऐड कर देना है। एंड यहाँ पर हमने इसकी हाईलाइट, शेडोज एंड कलर को करेक्ट करना है। देन हमने एक ब्रश स्ट्रोक को ऐड कर लेना है एंड इस पर भी हम ब्लर को ऐड करेंगे लाइक 1%। एंड इसको हमने कंट्रोल टी करना है ट्रांसफॉर्म एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। हम इसी को डुप्लीकेट करेंगे एंड फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल एंड इसको भी हमने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड इसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर रहा हूँ एंड रोटेट कर रहा हूँ। एंड हिट ओके। एंड यहाँ पर हमने मोटर पर हाईलाइट्स को क्रिएट करना है तो ह्यू एंड सेचुरेशन से हमने कलर को मैच करना है एंड इसको इन्वर्ट कर देना है एंड वाइट ब्रश को चूज करना है एंड हाईलाइट्स को क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं पता हाईलाइट्स किस तरह से क्रिएट की जाती हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो शो हो रही है, आप उसको वॉच कर लेना। एंड अगेन हमने उसी मेथड को अप्लाई करना है रॉक पर हाइलाइट्स को क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पर पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ और इस पार्टिकल ब्रश को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रश इजी डॉट कॉम एक वेबसाइट है एंड वहाँ से आप फ्री कोई भी ब्रश को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड न्यू लेयर को क्रिएट किया है एंड सॉफ्ट रनो ब्रश को यूज़ किया है एंड यहाँ पर मैंने सिंपली वाइट पेपर को फिल कर लिया है। एंड कैमरा फिल्टर में हम इसकी फाइनल कलर करेक्शन करेंगे। यू गाइस एंजॉय दिस।